हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश मेहरा जम्मू कश्मीर उधमपुर से जय माता दी होम पावर मॉर्निंग में आपका वेलकम करता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप नए नए प्लांट्स, नए नए फ्लावर्स अपने घर में लगा रहे होंगे, अपने नेबर के घर से, रिलेटिव के घर से, नर्सरी से ला रहे होंगे और उनकी खूब अच्छी ढेर सारी सेवा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेलिया की कटिंग के बारे में बताऊंगा। हम डेलिया को बल्ब से भी ग्रो करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मेरा लास्ट ईयर का डेलिया के दो प्लांट हैं, टू कलर्स के हैं और देखिए इसके नीचे बल्ब भी कितना अच्छी तरह से बना हुआ है। बट फ्रेंड्स, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया था, बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं बट मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया था। इस बार मैंने सोचा न्यू ट्रिक अपनाए, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने इसको कटिंग एज अ कटिंग से कैसे ग्रो किया जाए। चलिए फ्रेंड्स, से ग्रो करते हैं। फ्रेंड्स, आपने इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से कुछ कटिंग्स लेनी है, इस तरह से कुछ कटिंग्स लेनी है। फ्रेंड्स, हमेशा कटिंग को ऐसे तोड़िए कि जो आप कटिंग तोड़ोगे तो आपको लाइट, हाँ, जो आप कटिंग तोड़ोगे तो आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे होंगे तो आपकी वो जो शूटिंग है, आप यहाँ से अगर निकाल दोगे उसको तो जो शूटिंग है, ये देखिए छोटी सी आपको बर्ड दिखती होगी, जो शूटिंग है वो यहाँ से शुरू हो जाए और आपके प्लांट को कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखिए आपको दिख रही होगी शूटिंग यहाँ पे, ये छोटी सी शूटिंग आपको दिख रही है। यहाँ से आपको तोड़ना है ताकि आपके प्लांट को कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए छोटी सी, चलिए हम इसको ले लेते हैं, एक कटिंग आ गई हमारे पास। देखिए और भी हम ले लेते हैं 6-7, साइड साइड से लूंगा, आगे आगे वाले को तो फ्लावर अच्छे मिल जाएंगे, साइड साइड से ले लेते हैं। दो, तीन, चार, पांच। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पांच कटिंग ले ली है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पांच कटिंग ले ली है और उसको लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको ऐसी कटिंग लेकर और इसके जो लीव्स हैं वो कट करनी है। देखिए यहाँ से उसके एक्स्ट्रा लीव है, क्योंकि ये अपने जो वो है रूट्स है वो यहाँ पे जो पावर है पूरी रूट्स बनाने में लगाए, ना कि लीव्स को फूड सप्लाई करे, इसलिए हमें रूट्स सारे के यहाँ पे जो हमारे लीव्स होंगे एक्स्ट्रा वो हमने सारे के सारे निकाल देने हैं। देखिए दो तीन इंच नीचे जो इसके होंगे वो हमने निकाल देने, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि हमने इसके कैसे, ये देखिए उसके बाद हमने फ्रेंड्स इसको ऐसे कटिंग्स जो हमने ली हुई हैं बिना रूट्स के इसको हमने अपने यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए ऐसे होल सा करके होल कर लीजिए,
ऐसे होल्ड कर लीजिए। और अगर उसको सॉइल की बात कहूँ तो जो डेलिया का प्लांट होता है उसको हेल्दी सॉइल पसंद होती है, जैसे कि आप 30% गार्डन के मिट्टी ले लें, 30% उसमें कंस्ट्रक्शन की सॉइल ले लें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की सॉइल फ्लावर्स को और रूट्स को ग्रोइंग करने में हेल्प करती है। 30% उसमें आप गोबर का डीकम्पोस्ट हुआ खाद ले लें, और 10% आप उसमें चाय पत्ती खा लें, आपके घर में चाय पत्ती बन जाती है, उसकी जो खाद बच जाती है वो ले लें, 3-4 बार धोकर वो दे दें, क्योंकि मीठा आपने जो मीठा नमकीन होगा वो निकाल दें चाय पत्ती से, और वो धोकर आप उसको दे दें, फिर भी खूब अच्छी तरह से सर्वाइव करेगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक कटिंग लगा के दिखाता हूँ, अब ऐसे ही लगाइए, देखिए। उसके बाद आपने इसको ऐसे जमीन के अंदर कर लेना है, देखिए, और ऊपर से आपको सॉइल है वो कवर कर लेनी है ऐसे कुछ तरह से, कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही करके सारी कटिंग साफ लगा दें, ऐसे ही डेलिया की कटिंग लगाई जाती है। जब ये सर्वाइव कर लेगी, इसको फ्लावरिंग जब ब्लूम पे आएगी तो मैं आपको वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसे ही आप कटिंग डेलिया की लगा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन, नए नए प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन आपके तक मैं पहुंचाता रहूं। इसके साथ मैं आकाश मेरा जम्मू कश्मीर उधमपुर से, जय माता दी हूँ, पॉडकॉर्निंग में अगली बार एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।